बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री चैप्टर 2, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसे लिखा है सिस्टर निवेदिता ने। बच्चों, आपको मालूम है विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। विक्रमादित्य वाज ए फेमस किंग इन हिस्ट्री। ही इज इमॉर्टल ड्यू टू हिज लव फॉर जस्टिस। वो बहुत न्यायप्रिय शासक थे। The ruins of his fortress and palace lay buried in the ground, which turned into a pasture land with a mound in its middle. क्योंकि काफी पुरानी घटना हो गई है, तो जहां से वो जजमेंट करते थे वहां पे अब जानवर वो चारागाह बन चुका है, और बीच में एक माउंड हो गया, यानी एक टीला टाइप। द माउंड लुक्ड लाइक ए जज सीट। और वो माउंड ऐसा लगता है जैसे कि किसी जज का, किसी न्यायाधीश का सीट है। एन इनोसेंट शेफर्ड वुड सिट ऑन माउंड एज इफ ही वॉज ए जज एंड डिलीवर जजमेंट फ्रॉम देयर। तो कैसे एक शेफर्ड, एक जानवरों को चराने वाला बच्चा, उस पर बैठता है और उस पर बैठ कर उसके अंदर डिवाइन पावर आ जाता है और वो न्याय करने लगता है। द किंग हर्ड ऑफ इट एंड ही डग आउट द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य फ्रॉम अंडर द माउंड। राजा को इस बारे में जानकारी मिलती है, वो वहां पे खुदाई करवाते हैं। खुदाई करने के बाद वहां पे विक्रमादित्य का जजमेंट सीट मिल जाता है। वो उस सीट पे बैठना चाहते हैं, लेकिन जितनी बार बैठने का प्रयास करते हैं असफल होते हैं। राजा विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य इतने न्यायप्रिय थे कि कोई भी अपराधी अपना अपराध उनके सामने नहीं छिपा सकता था। उनको कोई अपराधी धोखा नहीं दे सकता था। राजा विक्रमादित्य किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं देते थे। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। एक दिन जानवरों को चराते चराते एक शेफर्ड वहां जाता है और उस माउंड पे, जिसके नीचे जजमेंट सीट है, वहां बैठता है और न्याय करने लगता है। उसके न्याय की चर्चा दूर दूर तक होने लगती है। आसपास के ग्रामीण और बाहर के ग्रामीण आ करके उस बच्चे से न्याय करवाते हैं और बच्चा भी उस माउंड पे बैठ करके न्याय करता है। राजा को जब जानकारी होती है तो राजा उस स्थान पे जाते हैं। राजा उस स्थान की खुदाई करवाते हैं। खुदाई में उस स्थान से विक्रमादित्य का जजमेंट सीट प्राप्त होता है, जो कि मार्बल का है। When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. जब राजा बैठने का प्रयास करते हैं तो जो एक एंजिल है, परी है, वो बोलती है, स्टॉप, रुक जाओ राजा, क्या तुम सोचते हो कि तुम इस पर बैठने की योग्य हो? तो राजा सोचता है कि नहीं, मैं शायद इसकी योग्य नहीं हूं। राजा इसके लिए व्रत करता है, अपने आप को तैयार करता है और अच्छा बनने की कोशिश करता है। फिर उस स्थान पे जाता है, उस सीट पे बैठने की कोशिश करता है। फिर दूसरी एंजल उससे पूछती है, इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पोसेस द रिचेज ऑफ अदर्स, क्या राजा कभी रिच बनने की कोशिश नहीं किया? तो राजा स्वीकार करता है कि नहीं, उसने तो किया है। इससे राजा को लगता है कि वो इस सीट पे बैठने की योग्य नहीं है। इस तरह राजा जब भी उस सीट पे बैठने की कोशिश करता है तो कोई न कोई एंजल आकर के उसे बैठने से रोक देती है।
और राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। राजा फिर अपनी उन गलतियों पे पश्चाताप करता है और कुछ और अच्छा बनकर बैठने का प्रयास करता है। तब तक एक लास्ट एंजिल आती है और बोलती है, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हर्ट, क्या तुम्हारा हृदय बिल्कुल शुद्ध है? इज योर हर्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय छोटे बच्चे की तरह पवित्र है? इफ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, यदि ऐसा है तो तुम सीट पर बैठ सकते हो। राजा कहता है, नो आई एम नॉट वर्दी। एंड एट दोज वर्ड्स द एंजिल फ्लू अप इन टू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड। इतना कहकर वह एंजल, वह देवदूत जजमेंट सीट को लेकर उड़ जाता है। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। इस तरह विक्रमादित्य का जजमेंट सीट हमेशा के लिए पृथ्वी से चला गया। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर में देखा कि कैसे राजा विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के राजा थे, बहुत न्यायप्रिय थे, एक शेफर्ड का बच्चा उस पर बैठ के न्याय किया करता था, लेकिन जब वहां के राजा ने प्रयास किया तो हर बार असफल हुए और लास्ट में जजमेंट सीट देवदूत आसमान में लेकर उड़ गया।